सॉरी यार। छोड़ो, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। सच बात तो यह है कि पहले बेइज्जती फील ही नहीं होती थी, और अब थोड़ा सा लहजा भी बहुत चुप था। कुछ नहीं होता, थोड़े वक्त में आदत हो जाएगी। इनको लड़ने दो, हम इफ्तारी करने चलते हैं, ये बहाना मार के। चट्टान में सो ये बीजान। हाँ, वैसे बीजान ये ज्यादती है। अच्छा, और मुझे बेवकूफ बनाना तो ऐन सवाब का काम है ना? वो आपने जमशेद भाई और आगाचान को भी कुछ बोला? भूल है तुम्हारी, इन नाक से लकीरें निकलवाई हैं उनकी। अरे हद हो गई, मेरे घर में नकली बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं। अरे ये घर है, कोई थिएटर तो नहीं है? हैं? क्या नकली बीमारी जमशेद ने? आहिस्ता बोलो, उस शन्नो चुड़ैल ने सुन लिया, बोरिया बिस्तर लपेटेगी, घर को रवाना हो जाएगी। तो क्या उसे वापस लाने के लिए ये सब किया जमशेद ने? और नहीं तो, ऐसे इश्क में मरा चला जा रहा है, और ये कनखजूरा ये भी साथ जुड़ा हुआ है। जलाल जी, बिलो जी, अब वो गजान ने हमको अपना कसम दिया था। बड़े कोई अफसोस की बात है जलाल जी। बिलो जी, अपने मामे के लिए ना जरा बकरे की यखनी चढ़ा देना, और उसमें एक चुटकी शहर भी डाल देना। तेरा सत्यानाश बिलो मांदरी। बाय गॉड, अम्मी बहुत काम की वीडियो लाया हूँ। मुझे नहीं देखती। अच्छा, मैं 1000 आई तो 500 मुझे ले लेना। शर्म नहीं आती तुम्हें? हैं? अपनी माँ के साथ तुम सौदेबाजी कर रहे हो, और बंद करो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा। मम्मी, रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग। दुनिया में बड़ी मांग है ऐसे जर्नलिस्ट की। डीजे, तुम चुप कर जाओ, मुझे आके बहुत गुस्सा चढ़ा जिया की वजह से। फिर चली गई अरसल के साथ बगैर बताए, जरा लिहाज नहीं है माँ बाप की इज्जत का। आप जिया पे को छोड़े ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आंखें, दुनिया में कैसे कैसे ड्रामे है। पैसे वैसे नहीं दूंगी मैं। अच्छा, वो फिर मक्खन वाला पराठा तो बना देंगी ना? हाँ बना दूंगी, दिखा मुझे क्या करना है तुमने अंजाम दिया।